हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के दड़ा। हाँ तो गाइस, आप सभी को पता है 2024 में कितनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले मल्टीपल इंडस्ट्री से, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और ये खालीवुड से। एक वो डरी फुसरी सी पिक्चर आ रही ना जिसका जो नाम है सिंघम 3, और देवारा के ट्रेलर के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि इस ऑफिशियल ट्रेलर के लिए फैंस एक्साइटेड ही नहीं, वही सब जान देने को तैयार है। क्या ट्रेलर के बारे में अपडेट निकल कर आ रहा है और क्या सिंघम 3 से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, जो कि प्रभास अन्ना सर से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, तो मैं सब बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते हैं किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस। कल मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पाकिस्तानी यूट्यूबर का वीडियो शेयर किया है, वहां पर उन्होंने बोला है कि सिंघम 3 के अंदर, वो चिंगम सिंघम लिंगम पिंगम क्या है, 3 के अंदर अपने वन एंड ओनली प्रभास अन्ना सर दिखाई देने वाले हैं। तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि यार ये चल के आ रहा है, इनके पास अपडेट नहीं है, तो भाई माफी चाहता हूँ। मैं उस समय ये सोचने लग गया कि इनके पास अपडेट नहीं है तो कहीं भी गधे घोड़ों को कहीं भी भरने वाले, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्रभास अन्ना सर कहाँ इंडियन सिनेमा के प्राइड, और ये कहाँ डरे फुसरे से भाई, इनको इतना इनका कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हमें सिंघम 3 कब रिलीज करनी है, और जो कि पूरी की पूरी रीमेक पिक्चर होने वाली है, सारे के सारे प्रोजेक्ट रीमेक होने वाले, और एक्टर तो देखो भाई इतने सारे भर दिए जैसे कि कोई प्रदर्शनी लग रही हो हीरो की। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूं ना, सिंघम 3 में प्रभास अन्ना सर होने वाले, क्योंकि प्रभास अन्ना सर भाई साहब सिंघम 3 उनके पैरों में आती है, लेकिन प्रभास अन्ना सर उस ऑन स्क्रीन पर नहीं दिखाई देने वाले। और जितने भी लोगों ने मुझसे कंफर्म किया है इंस्टाग्राम पे और कई लोगों ने जो कॉल किया, तो मैं आप लोगों को बताता चलू, काफी लोग हैं अपने भाई बंधु, तो मैं उन लोगों को बताता चलू भाई, जब आदि पुरुष थिएटर में रिलीज हुई थी ना, तो प्रभास अन्ना सर का एक स्टेटमेंट आया था, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन बॉलीवुड के साथ काम नहीं करूंगा। अब यार देखो ना, आप रोहित शेट्टी कितने बड़े एक्टर डायरेक्टर है, जो कि गाड़ियों को उड़ाना पुड़ाने का काम है उनका, काफी अच्छा गाड़ियों की मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं, उसी के साथ साथ काफी अच्छे मैकेनिक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलू, सिंघम भी, सिंघम अगेन भी पूरा का पूरा रीमेक है, पूरा का पूरा रीमेक है सूर्या सर का, और ये कॉप यूनिवर्स बनाने की बात करें, पता नहीं क्या ही हो रहा है यार, गधे घोड़े यार डायरेक्टर बनने, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ और इतना अग्रेसिव क्यों हूँ, जब यार पाकिस्तानी के यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि भाई प्रभास अन्ना सर सिंघम अगेन में आ रहे, सिंघम 3 किस में आ रहे, यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, फैंस वेट कर रहे हैं सालार सोरियंगा पारवम का, स्पिरिट का, द राजा साहब का, रावणम का, और भी काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, और फौजी भी तो है भाई, इन 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 पिक्चरों से फुर्सत मिल नहीं पा रही, और ये रीमेक फीमेक वालों के इनके साथ काम करेंगे क्या, यार कैसी बात करते हो। तो मैं आप लोगों को बोलूं भाई, ऐसे अर्जी फर्जी यूट्यूबरों पे ध्यान मत दिया करो। बस मैंने जब वो अपडेट देखा ना, तो मेरा खून खोल गया, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इनके पास कुछ बचा नहीं है कि यार उल्टी सीधी बातें करते रहते। तो भाई जो भी लोग देख रहे हो, तो भाई सब थोड़ा सा अवेयर है, क्योंकि कभी भी समझ ही रहो ना यार, ये फर्जी यूट्यूबर और स्पेशली पाकिस्तानी यूट्यूबर ना पिक्चर देखते हैं ना कुछ करते हैं, और फिर भी रिव्यू दे देते हैं, सोचने वाली बात नहीं ना, अपनी पिक्चरें वहाँ रिलीज होती हैं और इतनी जल्दी 8-9 बजे रिव्यू कैसे आ जाता है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को अगेन अलर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा दूर रहे, अवेयर है तो काफी अच्छा होगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इंडियाज मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी देवारा मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जो कि 27 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली, और जो अभी दावेदू सोंगा भाई क्या ट्रेंडिंग वन पे ट्रेंड कर रहा, उसी के साथ साथ क्या मिलियन व्यूज भाई साहब गेन कर लिए, क्या लाइक्स गेन कर लिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं ट्रेलर के बारे में, काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि अर्श भाई कब तक रिलीज हो सकता है, तो भाई आज से 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था 15, 16, 17 ये 3 दिन का याद रखें, इन दिनों में भाई साहब इसके ऑफिशियल ट्रेलर का अनाउंसमेंट होगा, या फिर अपने को डायरेक्टली यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा ये पावरफुल ट्रेलर, जिसका जो ड्यूरेशन होने वाला है, तो ड्यूरेशन जो होने वाला है 2 मिनट के ऊपर होने वाला है, मतलब मैं देखो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा चैनल पे 2 स्ट्राइक चल रही है, 3री स्ट्राइक आएगी ना तो चैनल ही उड़ जाएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और काफी लोगों की नजर है हमारे चैनल पे स्ट्राइक देने के लिए, तो मैं इसलिए भाई सब प्रॉपर तरीके से ड्यूरेशन में जानबूझकर थोड़ा सा हकला, मतलब कि वो होता ना जानबूझ के इधर उधर कर देता हूँ। तो भाई सब 2 मिनट के ऊपर का ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला, और यहाँ पर जो कट सीन रखे गए एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ तो गाइस यहाँ पर जो
डायरेक्टर कोर्तला शिव ने जो यहाँ पर जो कट सीन रख रखे हैं ना, और अनिरुद्ध रविचंद्र का जो बीजीएम बजने वाला है ना, मतलब कि ब्लड जैसे बहेगा, वैसी जैसे चाकू चलेगा वैसे ही अपने को इतना खतरनाक म्यूजिक सुनाई देने वाला है जो कि कानों में घुल के एकदम यहाँ उतरने वाला है। बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, इस मोस्ट एंटिसिपेटेड ट्रेलर का वेट कर लो, 15, 16, 17 सितंबर तक अपने को पावरफुल लेवल पे कुछ दिखाई देने वाला है। और भाई ये मत दो ध्यान इन चीजों में, कोई नहीं है मतलब मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे गाइस आप लोग बताओ क्या लगता है सिंघम 3 के अंदर प्रभास अन्ना सर होने वाले, कैसी बातें चल रही हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और क्या लगता है देवराम मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, उसके रन टाइम के बारे में, कट सीन के बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।